नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के मथुरा लोकसभा क्षेत्र के घोषित प्रत्याशी महेश पाठक। पिछले 3-4 दिनों से लगातार असमंजस की स्थिति बनी आ रही थी और देर रात 12:30 बजे ये असमंजस की स्थिति जाकर समाप्त हुई है। अब क्या कहेंगे आप पाठक जी? नहीं, असमंजस की स्थिति तो कुछ नहीं थी जी, वो तो शुरू से हमको मालूम था जी, परंतु क्या है, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है जी, तब तक एक क्यूरियोसिटी लोगों में बनी रहती है जी, क्योंकि इतनी सीटों का फैसला होना, पार्टी हाईकमान भी बिजी है जी, तो उसमें थोड़ा समय लगा जी, परंतु आप देखिए जब उन्होंने अनाउंस किया तो सीधा किया, तो इसमें कोई असमंजस की परिस्थिति नहीं थी जी। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्याशी घोषित होने पर? नहीं, महसूस की तो ऐसी कोई बात नहीं है, कि चैलेंज है, पार्टी हाईकमान ने एक जिम्मेदारी हमको दी है और मैं जनता के सहयोग से अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जो इतना समय मथुरा में हम लोगों ने बिताया और हम लोकल हैं जी, यहाँ की समस्याओं को जानते हैं जी, मैं समझता हूँ कि जनता इस चीज को देखेगी और जज तो इसमें जनता होती है जी, अगर उनको ये अच्छा लगेगा कि कौन प्रत्याशी उनके काम कर सकता है, उसको चुनेगी जी, इतना तो एक को है, दो को हारना है जी, परंतु निर्णय जनता को लेना है जी। तो मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से और जनता के प्यार से मौका मिलेगा तो काम करूंगा। अच्छा, क्या लगता है वैसे, आपको क्या लगता है, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों? अभी पाने की बात नहीं, अभी तो पहला दिन है जी, अभी तो पहला दिन है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर भी, पार्टी के तौर पर भी, जनपद तो पूरा मुझे जानती है जी, तो ये तो नहीं है कि मुझे कोई अपना परिचय देना है जी, बस यह है सबसे मिलना है, अपनी बातों को रखना है, सबसे मिलना है, अपनी बातों को रखना है। और नामांकन कब करना है? यमुना जी ठीक, मैं परसों करूंगा। आप परसों नामांकन करेंगे और अब कोई परिवर्तन की संभावना? अब ये तो मैं इन सब चीजों में न विश्वास करता हूँ न सोचता हूँ। आप चुनाव कैसा लड़ेंगे? कैसा लड़ने का क्या मतलब, बढ़िया लड़ेंगे, जोरदारी से लड़ेंगे, धमाकेदार लड़ेंगे, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं हैं कि कुछ जो आपके राजनीतिक विरोधी होंगे। राजनीतिक विरोधी हमारा नहीं होता जी, कोई राजनीतिक विरोधी नहीं होता है जी, आपका कोई राजनीतिक करना नहीं, मेरा कोई विरोधी नहीं है, आपका कोई विरोधी नहीं है, मेरे कोई विरोधी नहीं है, सब मेरे साथ में है, मेरा कोई विरोधी नहीं। और खत्री जी, आपको भी अपना तजुर्बा है, आपको मालूम है मेरे विरोध में कोई होता नहीं जी 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 जी, समर्थन चलेंगे, बढ़िया काम करेंगे। समर्थन कितना प्राप्त होगा आपको? अब आप देखिए, आप प्रेस वाले हैं, आप चेक करिए कितना समर्थन है, जब निकलेंगे परसों आपको दिखेगा। अच्छा, तो मतलब कोई एक ही बात आपसे क्या कहा, जनता में ये तो नहीं है कि मेरा नया चेहरा है जी, मैंने आपसे कहा मुझे कोई अपना परिचय किसी को यहाँ पे नहीं देना, सब मुझे जानते हैं, कोई मेरा भाई है, कोई भतीजा है, कोई दोस्त है, कोई बुजुर्ग है, कोई माता है, कोई बहन है जी, बाहर वाले को आके परिचय अपना देना पड़ता है। उत्साहित है पूरी तरह से आप? और अरे एकदम उत्साहित नहीं, जोरदार उत्साहित रहते हैं हम। चलिए, हम कोई किसी भी संघर्ष को लाइटली नहीं लेते जी, उसको जिदारी से चुनाव लड़ेंगे, बाकी रिजल्ट तो यमुना जी के हाथ में। और फिर फैसला आने से पहले ही, भला मैं हार क्यों मान लूं, वो अभी जीते नहीं हैं, मैं अभी हारा नहीं है, नहीं ये देखिए, हम उन कव्वालियों पे तो जाते हैं जी, हमारा काम है हम संघर्ष करते हैं, रिजल्ट यमुना जी के हाथ में, और जैसा मैंने आपसे कहा एक जीतेगा तो हारेंगे। अच्छा, कोई भी हो उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो आप कैसे बाजी मारेंगे ऐसे माहौल? अभी मैं आपको इस पे नहीं, वो अब हमारी प्लानिंग बनेगी, उस पर डिस्कस करेंगे, नहीं मैं बाद में बात कर लेता हूँ आपसे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे महेश पाठक, कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी।